आज मैं उपस्थित हूँ रोहतास जिले के चिनारी प्रखंड अंतर्गत, जहाँ पर आज सरपंच उप सरपंच द्वारा प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा है। इसी संबंध में हम बात करने और कुछ पंच और सरपंच हमारे साथ उपस्थित है जिनसे मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, आप लोग जो द्वारा यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, क्या चीज को लेकर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है? यहाँ पर हम लोग 11 सूत्री मांग का धरना दिया गया है, जिसमें 11 सूत्री में है सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर दिया जाए, और दूसरा है कि जनसंख्या के आधार पर वेतन भत्ता दिया जाए, तीसरा है सभी ग्राम कचहरी में चौकीदार की व्यवस्था की जाए, और MLC चुनाव में सरपंच पंच उप सरपंच को चुनाव का हक दिया जाए। प्रदर्शन करेंगे, लगातार चलता रहेगा धरना प्रदर्शन। मेरा नाम अरुण कुमार मिश्रा, उप सरपंच ग्राम कचहरी नारायणपुर। इसी संबंध में और हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनसे मैं बात करने का प्रयास कर रहा हूँ। सर, क्या चीज के लिए आप धरना पड़ रहा? हम लोग धरना आपका ये पार मिला है और हमारे क्षेत्र के आप विधायक मंत्री हैं, तो हम लोग की आप अपने त्रुटि लिख सकते हैं और हम लोग हरी का भी नियुक्ति करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। यही हमारा असली 11 सूत्री मांग है, और हम लोग जब तक ये मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मैं रामा शंकर शर्मा, और मेरा घर है नारायणपुर पंचायत के, हम सरपंच प्रतिनिधि हैं। तो हमारे पंचायत राज मंत्री मुरारी जी गौतम बोले थे कि 11 गो मांग में से 7 गो हम भरोसा दिलाए, 7 गो मांग को हम भरोसा करते हैं कि देंगे आपको 3 महीना के अंदर में। अगर 3 महीना के अंदर में नहीं देंगे तो हम 2 अक्टूबर को विशाल धरना करेंगे। यही हमारा कहना है कि 7 गो हमारा मांग कहे है 3 महीना के अंदर में पूरा होगा तो धरना पर नहीं जाएंगे, नहीं करेंगे तब विशाल धरना पर जाएंगे, धरना बंद नहीं करेंगे। क्या नाम है? मनीष कुमार, सरपंच, सरपंच संघ का अध्यक्ष। आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर आज प्रखंड मुख्यालय पर सरपंच एवं उप सरपंच और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर हमारी मांग सरकार नहीं मानती है तो आने वाले समय में इससे भी विशाल धरना और प्रदर्शन हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे।